सपा में आने के बाद से ही विवादों के स्वामी के रूप में प्रख्यात हो चुके स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। स्वामी के इस बयान के बाद से राजनीतिक गलियारों में भूचाल सा गया है और इस भूचाल से सपा की सियासी जमीन हिलती हुई दिखाई दे रही है। अब स्वामी प्रसाद मौर्य पे बुलडोजर चलाएं, आखिर बुलडोजर कब तक शांत रहेगा? स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो भी बोलते हैं उसे अखिलेश यादव जी का लिखा हुआ पढ़ते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बयानों के जरिए सपा और अखिलेश यादव के गले की फांस बनते जा रहे हैं। एक तरफ अखिलेश यादव ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं, पीटीए के ए को अल्पसंख्यक के साथ साथ अगड़े से भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य उनके किए कराए पर पानी फेर दे रहे हैं। सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू धर्म को लेकर एक बार फिर विवादित बयान दिया है। दिल्ली की एक रैली में बोलते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू धर्म को धोखा करार दे डाला। उन्होंने अपनी बात को सिद्ध करने के लिए सुप्रीम कोर्ट, मोहन भागवत और पीएम नरेंद्र मोदी का जिक्र भी किया। आप भी सुनिए। हिंदू एक धोखा है और वैसे भी 1995 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था हिंदू कोई धर्म नहीं, ये लोगों के जीवन जीने की एक शैली है। यही नहीं, जो सबसे बड़े धर्म के ठेकेदार बनते हैं, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी कहा है, एक नहीं दोनों बार कहा, हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है बल्कि लोगों के जीवन जीने की कला। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, मनमोहन जी ने भी कहा, हिंदू धर्म धर्म नहीं है। और अभी एक दो महीने पहले माननीय गडकरी जी ने भी कहा, एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में कहा। लेकिन इन लोगों के कहने से किसी की भावना आहत नहीं होती है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं हिंदू धर्म धर्म नहीं है बल्कि एक धोखा है, और जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो कुछ लोगों के लिए धंधा है। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान के बाद एक बार फिर से हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों में उबाल देखने को मिल रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर अखिल भारतीय हिंदू महासभा की अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणि महाराज ने सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ से उन पर बुलडोजर चलाने की मांग की है। स्वामी प्रसाद मौर्य जिस प्रकार से कभी रामचरितमानस पे, कभी सनातन पे, कभी अब हिंदुत्व पे जिस प्रकार से नकारात्मक टिप्पणी कर रहे हैं, अब समय आ गया है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी अब स्वामी प्रसाद मौर्य पे बुलडोजर चलाएं, आखिर बुलडोजर कब तक शांत रहेगा? इन्होंने एक जिस प्रकार से बोलने की एक नीचता तक गिरते जा रहे हैं, इससे स्पष्ट हो चुका है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की पाप का घड़ा अब भर चुका है, अब उस घड़े को फोड़ने की आवश्यकता है। स्वामी प्रसाद के बयानों से समाजवादी पार्टी बार बार किनारा करती रही है। कन्नौज में ब्राह्मण महासम्मेलन के दौरान लोगों ने अखिलेश यादव से स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों की शिकायत की। अखिलेश यादव ने पार्टी के नेताओं को ऐसे बयानों से बचने की नसीहत भी दी, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य पर इस बात का कोई असर नहीं हुआ। यही वजह है कि स्वामी के बयान को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को जिम्मेदार करार दिया है। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश की जनता को मूर्ख ना बनावें। श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो भी बोलते हैं, उल्टे सीधे बयान वह जो देते हैं, वो श्री अखिलेश यादव जी का लिखा हुआ पढ़ते हैं। और वह सोचें कि अगर उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह कर लेंगे तो 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी, घमंडिया गठबंधन, भाजपा विरोधियों का खाता नहीं खुलेगा। फिलहाल स्वामी प्रसाद पर सपा मुखिया की नसीहत का ना तो असर दिखाई दे रहा है और ना ही उनके विवादित बयानों पर लगाम लगती नजर आ रही है। यही वजह है कि एक बार फिर से चुनावी गलियारों में भूचाल आया हुआ है और सियासी महासागर में सुनामी के आसार भी दिखाई दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है कमेंट में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल के साथ जुड़ने के लिए फौरन सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।